चैनल इंडियन होम मेकर। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। गाइस, मैंने आज से ठीक 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था लोटस हर्बल्स बेसिल टोन टोनर के बारे में, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि कोई ऐसा टोनर बताइए जिससे हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। तो आज मैं आपके साथ एक टोनर की रिव्यू शेयर कर रही हूँ जिसे पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। रिक्योल एक कैनेडियन ब्रांड है और ये रिक्योल का पोर रिफाइनिंग फेस टोनर है। ये आयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनाया गया है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, एल्कोहल फ्री है, 9 बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं फॉर विजिबली रिड्यूस पोर्स, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये एक वेगन प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़ में आपको मिलता है 100 ml। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो भी यहाँ पे दिया गया है। आपको अपने चेहरे को सल्फेट फ्री क्लींजर से क्लीन करना चाहिए और इसके बाद एक कॉटन पैड के इस्तेमाल से इस टोनर को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। तो अगर इसके पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और ये देखिए, ये इस तरह से पैक होके आया था, बट मुझे इसे इस्तेमाल करना था सो मैंने इसकी पैकिंग निकाल दी थी। बट इस तरह से ये पैक होके आया। ये प्रोडक्ट पंप डिस्पेंसर दिया गया है। पंप डिस्पेंसर की मदद से आप टोनर को निकाल सकते हैं। इसे आप डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे कॉटन पैड में लीजिए और फिर अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। अब जानते हैं इस फेस टोनर के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि फेशियल टोनर एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी स्किन के क्लैरिटी को और स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करने का। रिक्योल पोर रिफाइनिंग फेस टोनर क्यों डिफरेंट है और इसमें दूसरे टोनर से अलग क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले ये एक एल्कोहल फ्री टोनर है। इसमें 9 बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि विच हेजल, एलोवेरा, सीवेड, ग्रीट बर्डॉक, आईवी, लेमन, वाटरग्रीस, सेज एंड कॉमन सोपवर्ट। ये सारी चीज़ें, ये जो 9 बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये आपके सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं और ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से आपके एक्ने होने की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसके रेगुलर यूज़ से आपके चेहरे पे जो पोर्स हैं वो कम हो जाते हैं और वो ज़्यादा स्मूथ दिखने लगते हैं, आपकी स्किन ज़्यादा क्लीन दिखती है, ज़्यादा क्लियर दिखती है। ये जो एल्कोहल फ्री टोनर है ये आपकी स्किन को ड्राई आउट होने से बचाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और जो स्किन का नेचुरल पीएच लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। तो बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स इसमें जो दिए गए हैं वो आपके चेहरे को कोई भी टाइप की इन्फ्लामेशन हो गई है उससे भी कम करने में हेल्पफुल होता है और इससे आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश, टोन्ड और रिवाइव नज़र आती है। इसे एक बार मॉर्निंग में इस्तेमाल करिए और एक बार आप इसे रात को सोने से पहले इस्तेमाल करिए। इससे आपको जो इसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है वो नज़र आने लगेगा। तो आइए अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये टोनर मेरे फेस पे बिल्कुल अच्छे से सूट कर रहा है, क्योंकि मेरी स्किन आयली और सेंसिटिव और थोड़ी सी एक्ने प्रोन भी है। दूसरी चीज़ ये कि मेकअप क्लीन करने के बाद, मेकअप रिमूव करने के बाद मैं फेस वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है, मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि जब मैं कॉटन पैड के इस्तेमाल से टोनर को अप्लाई कर रही होती हूँ तो उस कॉटन पैड में जो भी मेकअप के रेसिड्यू रह गए हैं मेरी स्किन में, जो मेरे पोर्स में ब्लॉक हो गए हैं, उन्हें भी ये निकाल के बाहर करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये कि ये मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और मेरे व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ही मैनेज कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्किन को मैटिफाइंग लुक देता है, स्किन को क्लीन रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, और क्योंकि ये एल्कोहल फ्री है तो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट भी नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसके पोर रिफाइनिंग वाले क्लेम की बात करूं तो 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मेरी स्किन पे जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी वो डेफिनेटली कम हुई है, मैं बोल सकती हूँ कि 20% कम हुई है, बट वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के 1 महीने इस्तेमाल करने से आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो आई थिंक ये क्लेम बहुत हद तक सही नहीं है।
और मे बी मुझे इसे 6 months के लिए कंटिन्यू करना होगा, फिर मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र आए तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें। इसका कोई भी नेगेटिव पार्ट मुझे अभी नज़र नहीं आया है, अगर मुझे इसका कुछ नेगेटिव पार्ट नज़र आएगा तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप इस प्रोडक्ट को चाहे तो परचेज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, मैं बता दूं कि ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, और आप इस प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी ने आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगले प्रोडक्ट रिव्यू के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।